पाली में नगर पालिका आम चुनाव 2019 के तहत पाली नगर में प्रसिद्ध चुनाव को लेकर सुबह से लगातार मतदाताओं की लाइन लगी थी। मतदाताओं द्वारा लंबी कतार में खड़े रहकर अपने मत का स्वतंत्र प्रयोग किया गया। मतदान जो है वो प्रारंभ हो गया है, मेरे हिसाब से लगभग 10% के करीब ये घंटे में मतदान हुआ है, तो काफ़ी अच्छी गति है और इससे लगता है कि काफ़ी अच्छा मतदान प्रतिशत रहेगा। और मेरा सभी नागरिकों से ये अनुरोध रहेगा कि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें, निर्भय होकर बिना किसी डर के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और ये भी अनुरोध रहेगा कि यदि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आती है, कोई डराता है, धमकाता है अथवा अन्य कोई उनको परेशानी आती है, तो तुरंत जिला कंट्रोल रूम में वो संपर्क करें ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। सर, कहीं पे ईवीएम मशीन गड़बड़ी या इस तरह की कोई सूचना? नहीं, हमने ईवीएम बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर की थी। कल दो जगह पर कोई प्रॉब्लम ईवीएम में आई थी, वो हमने चेंज कर दी थी। आज मॉक पोल के दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी जगह पर नहीं आई है, सभी ईवीएम सही प्रकार से काम कर रही है। फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा क्योंकि इसमें रिजर्व ईवीएम पहले से हम तैयार करके नहीं रखते हैं और उसको तैयार करने में लगभग आधा घंटे का समय लगता है, इसलिए यदि कहीं ईवीएम हमारा ख़राब होता है तो उसको बदलने में 30 मिनट से 45 मिनट का समय लगेगा। इसलिए सभी नागरिकों से भी और सभी कंटेस्टिंग कैंडिडेट से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो थोड़ा उस समय धैर्य बना के रखें, यदि भी ऐसी संभावना मुझे प्रतीत नहीं होती है कि किसी तरह की कोई समस्या आएगी। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में भाई ने खुद अपने सगे भाई की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने गहनता से जांच की और हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे में ही कर दिया। पुलिस जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। वहीं एसपी अभिषेक यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पंकज की हत्या भाभी से अवैध संबंध व 7 बीघे जमीन प्रॉपर्टी के विवाद में हुई है। वहीं आए दिन पंकज के भाइयों का जमीन को लेकर झगड़ा होता रहता था। पंकज के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंकज की हत्या करी। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। देखिए, ये एक दिन पहले थाना शाहपुर में एक व्यक्ति की लाश मिली थी जो कि बेसिकली उसमें हत्या का मुकदमा कायम हुआ था। तो थाना शाहपुर के द्वारा 24 घंटों में इस घटना का अनावरण किया गया है। इसमें जो मृतक है, मृतक के भाई और उसके 3 दोस्तों के द्वारा, जो कि सब उसी गाँव के रहने वाले हैं लेकिन वर्तमान में बाहर रहते थे, उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। जो भाई उसका पकड़ा गया है रवि, उसका ये कहना है कि इनका ज़मीन को लेकर बंटवारे का मसला चल रहा था काफ़ी समय से, और ये कुल 3 भाई हैं। इसमें जो एक इनका बड़े वाला भाई था, उससे जो जिस भाई को मारा है, जो मृतक है, मृतक के उसके बड़े वाले भाई की पत्नी से भी संबंध थे। इस कारण से ये बात उसे पसंद नहीं थी और जो ज़मीन का बंटवारे का मसला चल रहा था उस पर इनकी आए दिन नोकझोंक होती रहती थी। उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो अभियुक्त है, अभियुक्त ने अपने जो मेन अभियुक्त है यानी जो उसका सगा भाई है, उसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर, टोटल 4 लोग हैं जिन्होंने हत्या करी, गला घोट के उसको मार दिया। 4 लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 24 घंटे में पूरी घटना का शाहपुर थाने द्वारा खुलासा किया गया। सर, दोस्त हत्या में शामिल क्यों हुए? कोई लालच था या कोई दोस्ती के लिए? नहीं, वो दोस्ती के कारण शामिल हुए, इसके अलावा कोई ऐसा अन्य बड़ा लालच नहीं था उन लोगों के लिए। वो दोस्ती में क्योंकि उसके दोस्त थे तो उसने बुलाया, साथ में आ गए और उसमें शामिल। सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए वाहन चोर के पास से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 कट्टा भी बरामद किया है। पकड़ा गया वाहन चोर पड़ोसी मुल्क के नेपाल का रहने वाला है। दिनांक 15 नवंबर को गनवरिया मोड़ के पास कपिल वस्तु पुलिस के द्वारा अपना रूटीन चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को इंटरसेप्ट किया गया, जिनके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। चेकिंग करने पर वो मोटरसाइकिल चोरी की पाई गई, उसकी नंबर प्लेट भी उसके द्वारा बदली गई थी। उससे जब पूछताछ की गई और उसकी जमा तलाशी ली गई तो उसके पास से एक कंट्री मेड फायरआर्म भी बरामद हुआ और उसकी निशानदेही पे एक दूसरी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई जो कि शोरतगढ़ से चुराई गई थी। पहली मोटरसाइकिल उसके द्वारा बताया गया कि नेपाल से उसने चुराई थी। दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। उसने अपने उसमें यह भी कबूल किया है कि इससे पहले वह नेपाल में भी चोरी करते हुए पकड़ा गया था और वहाँ पे जेल भी जा चुका है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और उससे जो भी हमें लाभप्रद सूचना प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के तेजवापुर क्षेत्र में HBCT मंटेश्वरी स्कूल मेटू कहां में बाल दिवस बड़े ही धूमधाम से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के रूप में मनाया गया, जिसमें विद्यालय की ओर से खेल कूद के कार्यक्रम कराए गए और विद्यालय के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।